उत्तर प्रदेश बरेली से जिला संवाददाता शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पति उत्पीड़न से तंग विवाहिता पहुंची एसएसपी ऑफिस बरेली। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के जनकपुरी का मामला, जहां की रहने वाली सुरुचि जयसवाल ने बताया कि उसका विवाह 11 वर्ष पहले विपक्षी के साथ हुआ था, जिसने उसकी संपत्ति के लालच में महिला के साथ शादी की थी। अनेकों लड़कियों व महिलाओं के साथ नाजायज संबंध रखने वाले पति द्वारा आए दिन मारपीट किए जाने के संबंध में वह मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार हो गई, जो अपने 10 वर्षीय पुत्र का पालन पोषण भी कर रही है। महिला द्वारा पति को गत दिवस किसी लड़की के साथ प्रेमनगर क्षेत्र स्थित उसकी गारमेंट शॉप पर रंगे हाथ पुलिस द्वारा पकड़वा दिया था, जिस कारण उसका थाने से ही फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है और संबंधित थाने द्वारा हमेशा यह मामला पारिवारिक बताकर उसको कानूनी सहायता नहीं मिलती, जिस कारण इसके पति के हौसले बुलंद है और वह महिला पर अत्याचार करता रहता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पति के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गुहार लगाई है। विवाहिता को अपने पति से जान माल का खतरा है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ एसएसपी ऑफिस बरेली आई हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड हैं, जो मुझे शुरू से ही शादी से आज तक 11 साल हो गए, सन 2010 से लेकर आज सन 2021 स्टार्ट हो गया, लेकिन मेंटली और फिजिकली हैरस करते आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरुचि जायसवाल है। कहाँ से आई हैं आप? मैं राजेंद्र नगर एरिया से आई हूँ, जनकपुरी। अच्छा, क्या फैमिली में क्या प्रॉब्लम है? फैमिली में सर ये प्रॉब्लम है कि पैसों के लिए शादी करी गई, मेरे ही पिता ने वो दुकान करवाई है, लेकिन वो अपनी दुकानें बताता है, लेकिन उस दुकान का मेन जो उनका काम है वो वहाँ पे लड़कीबाजी है, वहाँ पे गलत काम होते हैं, उसमें नाबालिग लड़कियाँ भी तो फंसाई जाती हैं, और नशा तो होता है, उनकी कार है जो बिल्कुल डार्क शीशे हैं, उसमें भी यही काम होता है। अच्छा, वो हर वक्त मुझे प्रेशराइज करते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। जी हाँ, उसने शादी ही इसलिए करी थी ताकि एक सीढ़ी उसे चाहिए थी चढ़ने के लिए, लेकिन उसका ये था कि मुझे दुकान मिल जाए, और दुकान के लिए वो जब देखो मुझे टॉर्चर करता है कि किसी भी तरह ये मेरे नाम दुकानें कर दो। जो क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सौरभ जायसवाल। जैसा कि आप बता रही थी कि आपने इस बारे में कई एक बार कंप्लेंट लिख के दी, कहाँ पे लिख के दी? मैंने थाना प्रेमनगर में दी, सन 2014 में भी दी, उसके बाद भी कई लड़कों ने उसे मारा, लड़कियों के पीछे। नहीं, अभी रिसेंटली भी आपने एप्लीकेशन मैंने आप, मैंने कल ही दी है, कल शाम को मैंने एप्लीकेशन दी है। सबसे पहले मैंने 112 पे कॉल करी और पुलिस के साथ ही मैं दुकान पे उस लड़की के साथ, एक शीतल सिंह नाम की लड़की है जो बांके बिहारी मंदिर के पीछे रहती है, उसको साथ में पकड़ा। अच्छा। ये लोग दुकानों में गलत काम करते हैं, और इन लोगों का जो मंशा है वो ये है कि किसी तरह मेरा मर्डर करके और शादी कर ली जाए, और ये दुकानें और मेरे नाम जो पॉलिसी है, आपको रास्ते से हटा दिया जाए, मुझे रास्ते से पॉलिसी, आपकी प्रॉपर्टी हथिया दी जाए। जी जी, उसका यही मेन मकसद है, जिसके लिए वो मुझे मेरे बच्चे तक को बहुत मारता है, सब काम। पुलिस का मानना यह है कि आपका फैमिली मैटर है, वो हमेशा यही रहा है इतने सालों में, जब भी मैं पुलिस के पास गई, जब भी कोई बात हुई, वो यही वो पैचअप करने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी तरह मामला फैमिली प्रॉब्लम समझ के उसे खत्म कर देते हैं, जिससे उसे इतना बल मिल गया है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसने मुझे कल से लगातार फोन किए हैं, जबकि फोन वहाँ पे जब मेरे सामने करे गए, लेकिन मेरे ही जाते वहाँ पे उनको फोन दोबारा दे दिए गए, जिससे उन्होंने जो भी कुछ उसके अंदर था, जो भी रिकॉर्डिंग्स रही, वीडियोज रहे, जो भी कुछ उसके अंदर था, वो सब डिलीट कर दिया गया। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले मेरी दुकानें वापस करी जाए मुझे, जो मेरे ऊपर 10-12 लाख का कर्जा उसने कर रखा है, जो मुझे मार के मुझ पे जबरदस्ती साइन कराए हैं, कुछ फर्जी साइन है, कुछ मुझसे मुझे मार मार के साइन कराए गए हैं कि कैसे नहीं करोगी, और इसलिए अब साइन कर लिए हैं मैं तो फंस, मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि मेरे नाम से, तो वो कहता है मैं तुम्हें पुलिस में अंदर करवा दूंगा पैसे, अब तुम तो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। मतलब आप जस्टिस चाहती हैं? जी हाँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जी जी। और जो वो आपका फिजिकली मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं, उसने मुझे इतना उकसाया, इतना परेशान किया दुकान के लिए कि आत्महत्या मैंने कर ली थी, मैंने एसिड पी लिया था, शादी कोशिश की थी आपने। जी। आप कहाँ की प्रॉपर रहने वाली हैं? मैं बरेली की रहने वाली हूँ। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी यहीं बरेली भूड़ों के रहने वाले हैं। अच्छा जी, आप इंसाफ चाहती हैं? जी मैं इंसाफ चाहती हूँ, पुलिस मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। आपने एसएसपी ऑफिस बरेली जी, इसीलिए मैं एप्लीकेशन देने आई हूँ यहाँ पे कि मेरे साथ न्याय किया जाए।